तो यार ये देखो आपके सामने है पेज व्यूज यस्टरडे। ओके, कल के दिन में मुझे कितना 25,000 का ट्रैफिक देखने को मिला है 22 के, और यहाँ पे क्लिक्स मुझे कितने मिले 168। ओके, यहाँ पे सीपीसी कितना मिला मुझे 0.02। ओके, तो यार एक दिन के अंदर मुझे मिला है 25,000 का ट्रैफिक। ओके, वो भी उस वेबसाइट पे जिसपे मैं सिर्फ यूट्यूब की वीडियोस एम्बेड करता हूँ, इसके अलावा कोई काम नहीं करता। ओके, थोड़े बहुत कीवर्ड्स वगैरह लगाता हूँ। ओके, यहाँ पे ये मेरी वेबसाइट है blogge.com। ओके, फ्री की डोमेन है, इस पर मेरा एडसेंस का अप्रूवल है। ओके, यहाँ पे अप्रूव्ड है। ओके, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ मुझे कैसे इतना ट्रैफिक मिला, कैसे यहाँ पे मैं कीवर्ड्स को ऐड करता हूँ लगाता हूँ, ये भी मैं आपको बताऊँगा सारा। और साथ में मैं आपको ये भी दिखाऊँगा कि यहाँ पे मुझे कितने डॉलर मिले हैं इस 25,000 व्यूज के ऊपर। ओके, यहाँ पे सिर्फ वीडियोस एम्बेड करने के मुझे कितने मिले हैं। ओके, आप भी यार कमा सकते हो, आप भी कर सकते हो। यहाँ पे कोई बात नहीं कि आप अपनी यूट्यूब की वीडियो एम्बेड करो, यहाँ पे किसी दूसरे बंदे की, यहाँ पे आप किसी की मूवीज लेके भी एम्बेड कर सकते हो यूट्यूब की। ओके, यहाँ पे अपने ब्लॉगर पे फ्री में पैसे कमा सकते हो। तो यार आपको पता है मूवीज पे कितनी ज्यादा सर्चिज मिलती है। ओके, इस पे मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के बताऊंगा कैसे आपने मूवीज की वेबसाइट बनानी है यूट्यूब के साथ अटैच करके। ओके, यहाँ पे अनलिमिटेड ट्रैफिक कैसे गेट करना है आपको सिखाऊंगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बता दूं यहाँ पे मुझे कितना ट्रैफिक मिला एक दिन में, कितने मेरे इस पे डॉलर मिले। ओके, यहाँ पे कितने पेज व्यूज आए सारे का सारा आपको दिखाता हूँ, कैसे मैं आर्टिकल यहाँ पे लिखता हूँ सभी आपको दिखाता हूँ, तो देख लेना। इसके अलावा यार जो प्रोफेशनल वीडियोस है आपके लिए बन रही है, ओके, आप रेडी हो जाए उनके लिए, आप लोगों के लिए पूरी सीरीज आएगी कैसे आपने एडसेंस का अप्रूवल गेट करना है, कैसे अनलिमिटेड ट्रैफिक लेना है, कैसे हज़ारों अर्न करने हैं ओके मंथली। तो यार उस पर आपके लिए सीरीज बन रही है, वो आ जाएगी जल्दी। उसके लिए आपने क्या करना है, चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लेना, साथ में अपने बेल के आइकन को दबा लेना ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक आ सके। आप सपोर्ट करते रहो मुझे सब्सक्राइब करके, मैं सपोर्ट करता रहूँगा आपको आपके लिए ऐसा कंटेंट जनरेट करके। ओके, तो चलो यार बगैर टाइम को वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार ये देखो आपके सामने है पेज व्यूज यस्टरडे। ओके, कल के दिन में मुझे कितना 25,000 का ट्रैफिक देखने को मिला है यहाँ पे। ओके, ये मेरा वो ब्लॉगर है, ये मेरी वो वेबसाइट है जिसपे मैं यूट्यूब का काम करता हूँ, यानी कि यूट्यूब की वीडियोस को सिर्फ यहाँ पे इम्बेड करता हूँ, इसके अलावा मैं यहाँ पे कोई काम नहीं करता। ओके, blogge.com की वेबसाइट है, एडसेंस का अप्रूवल है इस पे। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए यहाँ पे मैंने इस वेबसाइट को ओपन कर लिया और आपके सामने है ये वेबसाइट। ओके, ये ब्लॉगर पे है, ये देख लीजिए blogge.com। ओके, यहाँ पे एड्स बाय गूगल आपके सामने आ गया। ओके, यहाँ पे कोई एक आर्टिकल मैं यहाँ आपको ओपन करके दिखा दूँ, ये देखिए इस वाले आर्टिकल को किया मैंने ओपन। ओके, यहाँ पे इस पे मैंने कौन सा काम किया, देखिए ऐड आ गया सबसे ऊपर एड बाय गूगल। ओके, यहाँ पे क्या काम किया इसमें, सिर्फ ये देखिए वीडियो इम्बेड किया है, थोड़ा सा ऊपर लिखा है दो लाइनें। ओके, उसके बाद ये नीचे यहाँ पे कीवर्ड सेट कर दिया। ओके, ये सारे के सारे कीवर्ड सेट किया है, यही काम है, इसकी वजह से ही आपको ट्रैफिक मिलता है। ये भी ऐड चल रहा है नीचे। ओके, उसके अलावा ये साइड पर भी ऐड है। ओके, यहाँ पे ये भी एक ऐड है और यहाँ पे भी आपको फुटर में भी ऐड ही देखने को मिलेगी। ओके, यहाँ पे अब मैं आपको बता दूं आपने ये काम कैसे करना है, ट्रैफिक कैसे गेट करना है, 25,000 व्यूज पे मुझे कितना पैसा देखने को मिला है। तो लीजिए यहाँ पे मैं आ गया एडसेंस पे। ओके, यहाँ आने के बाद मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए यस्टरडे वर्सेस सेम डे लास्ट वीक। ओके, यहाँ पे यस्टरडे का मैंने ओपन कर लिया, यहाँ पे मुझे कितने पेज व्यूज मिले, 11.7K पेज व्यूज यहाँ पे देखने को मिले। उस पर RPM कितना मिला 0.22। ओके, इंप्रेशन 22K, और यहाँ पे क्लिक्स मुझे कितने मिले 168। ओके, यहाँ पे सीपीसी कितना मिला मुझे 0.02। ओके, यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, कैलकुलेटर को ओपन करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 0.02 मल्टीप्लाई बाय 168। ओके, यहाँ पे ये जो क्लिक है इससे मल्टीप्लाई कर दिया, कितने डॉलर मिले, 3.36 डॉलर। ओके, यहाँ पे यानी कि 3 डॉलर मुझे यहाँ पे देखने को मिल गए। कितने व्यूज पे देखने को मिले, 25,000 व्यूज पे। ओके, ये देखो आपके सामने है, यहाँ पे 25,000 व्यूज पे इतने देखने को मिला। यहाँ पे अब मैं आपको दिखा दूं मैंने जो आर्टिकल लिख रखे हैं वो क्या है, ये देख लो यार, ये जो वायरल आर्टिकल है यहाँ पे यही देख लो, इस पे यानी कि जिस पे पेज व्यूज आ रहे हैं मुझे। ओके, यहाँ पे 4,000 व्यूज है, पहले मुझे 42,000 तक भी व्यूज आते रहे, बहुत यहाँ पे व्यूज आते रहे हैं। यहाँ पे अब मैं आपको बता दूं, ये देखो जुबैर चनियोटी फेक यूट्यूबर एक्सपोज्ड। ओके, यहाँ पे ये एक यूट्यूबर है पाकिस्तानी, तो यहाँ पे मैं बता दूं इस पे मैंने थोड़ा सा आर्टिकल लिखा था, यूट्यूब की वीडियो बनाई थी, और यहाँ पे मुझे कितने देख लीजिए, यहाँ पे 4 लाइनें हैं सिर्फ। ओके, 4 भी पूरी नहीं है। उसके बाद यूट्यूब की वीडियो यहाँ एम्बेड की है, और यहाँ ये देख लो यार, यहाँ पे आपके सामने कीवर्ड है। ओके, यहाँ पे आ गए हम पोस्ट में आ गए,
यहाँ पे मैं उस वाले आर्टिकल पे आपको ले चलता हूँ। लीजिए गाइस यहाँ पे एडिट पे आ गए हम, और यहाँ पे ये देख लो यार, इस तरह से मैंने ये आर्टिकल लिख रखा है। ओके यहाँ पे अब आपकी, जब भी मैं बताऊंगा कैसे आपने कीवर्ड सेट करने हैं, मैं कहाँ से लेता हूँ। ओके यहाँ पे ये देखो यार, इस तरह से ये आर्टिकल है, ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर डिटेल लिख दी, यहाँ पे ये जो कीवर्ड है ये मैंने सेट कर दिया। ओके यहाँ बोल्ड कर दिया। ओके यहाँ पे आपने भी ऐसे करना है, जो कीवर्ड है उन्हें बोल्ड कर देना है यहाँ पे। उसके बाद आपने एक हेडलाइन यहाँ पे ये देख लीजिए, एक हेडलाइन देनी है। ओके यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, अगर पूरी ऑन पेज एसईओ सीखना चाहते हो कैसे करते हैं, तो यार उस पे मैंने एक ट्यूटोरियल बना रखा है आपके लिए, 10 मिनट से ज्यादा का है, वो पूरा देख लेना आपको समझ आ जाएगी। ओके यहाँ पे मेरे यूट्यूब के चैनल पे आना, आने के बाद यहाँ पे यार ये देखो यार ये वाला वो वीडियो है, ब्लॉगर ऑन पेज एसईओ 2020। ओके जाके मेरे चैनल पे देख लेना, लेकिन उससे पहले यार अगर चैनल पे आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बने बेल के आइकन को दबा के आर के बटन पे प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो मिल सके। ओके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आपने अनलिमिटेड ट्रैफिक लेना है, जैसे कि मैंने पहले आपको एक वीडियो में दिखाया 27 लाख का ट्रैफिक है उस वीडियो पे। ओके उसके अलावा एक और वेबसाइट थी मेरी, उस पे 22 लाख है, वो भी मैं आपको रिवील करूंगा, टेंशन नहीं लेनी आपने। ओके यहाँ पे आ गए हम गूगल पे। ओके यहाँ पे लिख लेते हैं कोई एक कीवर्ड यार, यहाँ पे लिख लेते हैं हम हाउ टू हाइड इंस्टाग्राम मैसेजेस। ओके हमने यहाँ पे लिख लिया हाउ टू हाइड इंस्टाग्राम मैसेजेस। ओके यहाँ पे आपके सामने ये आ गया, यहाँ पे अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ये देखो ये मेरी यूट्यूब की वीडियो है सबसे ऊपर, अगर थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करके आपको दिखाऊं, ये देखो यार havetimesofficial.blogspot.com, यहाँ पे अगर मैं इसे ओपन करूँ तो ये मेरी ही वेबसाइट है। यहाँ पे मैं आपको ये भी दिखा दूँ, ये देखो यार ये मेरा ही आर्टिकल है। ओके यहाँ पे इस पे भी मैंने क्या कर रखा है आपके सामने ही है, 2-3 लाइनें लिखी है, ये बोल्ड कर दी है, जो कीवर्ड मैं जिन पे वायरल होना चाहता हूँ, यानी जिन पे अपना आर्टिकल वायरल करवाना चाहता हूँ, ओके रैंक करवाना है, ऐसे बोल्ड कर दिए। यहाँ पे यूट्यूब का वीडियो आ गया, उसके नीचे ऐड आ गया। ओके उसके नीचे ये थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन वगैरह मैंने डाल दी। ओके ये देखो इतना सा 4-5 स्टेप जो मैं यूट्यूब की वीडियो में डालता हूँ वही यहाँ पे मैंने डाल दिया। ओके यहाँ पे अब आ जाते हैं, अब आपने ये कीवर्ड्स लेने कहाँ से। ओके ये जो गूगल के आपको ये देखो यहाँ पे आपने इतना सा लिखा, ये देखो आगे और आ गया हाउ टू हाइड इंस्टाग्राम मैसेजेस 2020, ये वाला जो कीवर्ड आपको गूगल सजेस्ट करता है आपने वही लेना है यार, यहाँ से ही लेना है। ओके इसके अलावा आपने कहीं से नहीं लेना है, यहाँ से लेना है। ओके यहाँ पे नीचे आ जाओ, यहाँ पे देखो सर्चिज रिलेटेड टू हाउ टू हाइड इंस्टाग्राम मैसेजेस 2020। ओके यहाँ पे जो भी आगे आपने क्या किया, इन सभी को कर लिया कॉपी करके आप चले गए यहाँ पे वर्डपैड पे। ओके नोटपैड पे आ गए, यहाँ आके आपने उन्हें कर दिया पेस्ट। ओके यहाँ पे जहाँ 2019 है वहां पे 20 कर दिया, बाकी सभी ठीक है यार, यहाँ पे इनको आपने यूज कर लेना। कैसे करना है आर्टिकल के अंदर तो आपने यार करना ही करना है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखो यहाँ पे इनको कॉमा लगाया, सभी को किया कॉपी, और आगे यहाँ पे अपने आर्टिकल में और यहाँ सर्च डिस्क्रिप्शन। ओके यहाँ पे लाके आपने इसे पेस्ट करके डन कर दिया। ओके यहाँ पे ये आपने कर देना लाजमी से। और एक और बात, जो परमालिंक है ये जो आपने यहाँ पे ये देखो इतना कीवर्ड है, यहाँ पे पूरा भी तो हो सकता था लेकिन मैंने यहाँ पे इतना सेट करा है। ओके आपने कैसे करना है, यहाँ पे मैंने पहले से कर रखा है इसलिए ऐसे है, अदरवाइज आप जब नया आर्टिकल लिखोगे आपको कस्टम का ऑप्शन मिलेगा, आपने सिर्फ अपना इतना ही, ये जो अपना इतना आपका कीवर्ड है इतना ही आपने परमालिंक में ऐड करना है। ओके यहाँ पे देखे जैसे मैंने ऐड करा है आपने भी कर लेना है। इसके अलावा यार ये देखो ये जो कीवर्ड थे मेरे सारे के सारे, ओके ये देखो ये वाले कीवर्ड। ओके यहाँ पे मैंने इसे एज इट इज कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पे ला के यहाँ पे पेस्ट करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे ये देखो ये खत्म हो गए, यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया। ओके यहाँ पे इन सभी को किया सेलेक्ट और यहाँ पे इन्हें नंबरिंग दे दी। ओके यहाँ इससे क्या होता है आपका आर्टिकल रैंक होने के ज्यादा चांसेस बढ़ते हैं। ओके यहाँ पे इस तरह से आपने ट्रैफिक लेना है। ओके मैं आपको बता दूं यार आप भी ट्रैफिक ले सकते हो फ्री का। तो कैसी लगी है यार आपको हमारी आज की ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर देना। ओके नेक्स्ट ऐसी वीडियो चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नेक्स्ट मिलते हैं किसी और वीडियो में।